मात्र 34,000 रुपए खर्च कीजिए और थाने के मालिक बन जाइए। इन्हीं रुपयों में आपको सिर्फ थाना ही नहीं, रखवाली के लिए एक पुलिस निरीक्षक मिलेगा, साथ ही पुलिस का एक ट्रेंड कुत्ता भी घर के बाहर रखवाली करता नजर आएगा। इसी पैसे में आपको पुलिस का वायरलेस सिस्टम भी मिल जाएगा। इसका मतलब है 34,000 खर्च करने वाले के भौकाल में कोई कमी नहीं रहेगी। पुलिस थानों में जाने से बड़ों बड़ों को डर लगता है। पुलिस जिसकी ग्रेवा में हाथ डाल देती है वो सहम जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि आम आदमी पुलिस थानों का मालिक बन सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है। केरल में ऐसी योजना शुरू हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पुलिस के ट्रेंड कुत्तों, पुलिस वालों और यहाँ तक कि पूरे थाने को किराए पर लिया जा सकता है। केरल में ये आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कोई नई योजना नहीं है, यह एक पुरानी योजना है जिसमें नई दरें जोड़ी गई हैं। अब इस मामले को लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही है। सरकारी आदेश में रेट कार्ड से पता चलता है कि एक सर्कल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को काम पर रखने के लिए प्रतिदिन 3,035 रुपये खर्च आएगा। यदि आप अधिक किफ़ायती विकल्प चाहते हैं तो एक सिविल पुलिस अधिकारी का चुनाव कर सकते हैं जिसकी सेवाओं की कीमत 610 रुपये है। पुलिस कुत्ते 7,280 रुपये प्रतिदिन की दर पर दरवाजे पर नजर आएंगे। वहीं वायरलेस उपकरण 12,130 रुपये दैनिक किराए पर लिए जा सकते हैं। एक पुलिस स्टेशन 12,000 रुपये में किराए पर लिया जा सकता है। केरल सरकार का मानना है कि उसके संभावित ग्राहक निजी पार्टियां, मनोरंजन फिल्म की शूटिंग वाले होंगे। अब केरल सरकार के इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। कई अधिकारी इस आदेश से नाखुश हैं। बता दें कि पिछले साल कन्नूर के पानूर में एक व्यवसायी की बेटी के विवाह समारोह में 4 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। इसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अधिकारी संघ ने इस मुद्दे को उठाया था। पुलिस अधिकारी संघ के राज्य महासचिव CR बीजू ने बताया कि पुलिस के मानव या अन्य संसाधनों को किसी भी धूमधाम और प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश में एक विस्तृत SOP निर्धारित की गई है, इसका पूरी लगन से पालन किया जाना चाहिए। अगर SOP का पालन नहीं किया जाता है तो ये संभव है कि आप केरल पुलिस स्टेशन में आकर शादी कर सकते हैं। इस शादी के दौरान पुलिस के निरीक्षक और कुत्ते तैनात रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।